सोलन लोक निर्माण विभाग का कार्यालय लगभग बनकर तैयार हो चुका है, जिसे जल्द शहरवासियों की सुविधा के लिए खोला जा सकता है। अब इस सर्किट हाउस सोलन के पुराने बस स्टैंड के समीप चल रहा है। ये भवन बेहद पुराना है और आधुनिक सुविधाएं इस सर्किट हाउस में उपलब्ध नहीं है। पार्किंग की सुविधा भी यहाँ बेहद कम है। अगर कोई VIP यहाँ आ जाता है तो वाहनों को खड़ा करने की बेहद कम जगह बचती है। इसलिए अब लोक निर्माण विभाग द्वारा सोलन के चंबा घाट में ऊंचाई वाले क्षेत्र में इसे बनाया गया है, जो हवादार और धूपदार भी है। यहाँ आकर कोई भी व्यक्ति एक अच्छी याद लेकर यहाँ से जाएगा। ये गेस्ट हाउस हिमाचल के अच्छे सरकारी गेस्ट हाउस में से एक गिना जाएगा और निजी होटलों को भी टक्कर देगा। अधिक जानकारी देते हुए लोक निर्माण विभाग के अधिशांशी अभियंता अरविंद कुमार ने बताया कि सोलन सर्किट हाउस का नया भवन बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है, जिसमें केवल 5% काम होना बाकी रह गया है। उन्होंने बताया कि इस भवन को बनाने की लागत करीबन 7,46,00,000 रुपए है। इसमें 7 साधारण कमरे और 4 VIP कमरे होंगे। इसमें करीबन 100 व्यक्तियों के लिए बैठने का हॉल भी बनाया गया है, जहां आवश्यक बैठकें भी की जा सकेंगी। इसके अलावा इसमें डोरमेट्री भी बनाई गई है, जहां कर्मचारी रह सकेंगे। यहां पार्किंग भी पहले के मुकाबले में काफी बड़ी बनाई गई है। उन्होंने बताया कि इस सर्किट हाउस को जल्द ही जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। देखिए, चंबा घाट में हम सर्किट हाउस का निर्माण कार्य चला हुआ है। इस सर्किट हाउस में टोटल 11 कमरे हैं, चौकीदार के रेजिडेंसीज भी हैं, स्टाफ के रेजिडेंस भी होंगे, एक किचन की फैसिलिटी भी है और ड्राइंग रूम्स भी हैं। तो टोटल 11 रूम्स हैं। इन 11 रूम्स में 4 VIP रूम्स हैं और 7 नॉर्मल रूम्स हैं। जहां तक खर्च की बात है तो इसकी प्रशासनिक स्वीकृति लगभग 7,46,00,000 रुपए की मिली थी, जिसमें इलेक्ट्रिकल, सिविल सारी तरह के वर्क्स होते हैं, और सिविल वर्क कॉन्ट्रैक्टर को अवार्ड 3 साल पहले कर दिया था और लगभग 95% कार्य हो चुका है। अब इसमें फर्नीचर की भी व्यवस्था होगी। इसमें जैसे बेड्स हुए, चेयर्स, डाइनिंग टेबल और रूम्स में चेयर्स होती हैं, तो इन सब चीज़ों का टेंडर लग के काम अवार्ड हो गया है और लगभग 90-95% कार्य हमारा पूर्ण हो गया है। और ये एक टारगेटेड है हमारा अप्रैल तक इसको कंप्लीट हैंडओवर करने का। सर, उद्घाटन कब होगा इस रेस्ट हाउस का और क्या मानते हैं जी? यूँ समझो, अप्रैल के बाद कभी भी हो सकता है, मार्च अप्रैल में कभी भी हो सकता है। हाँ, इसमें ऐसा है कि पहले तो इसमें 11 रूम्स का प्रपोजल था, जिस ढंग से इसको बनाया गया था। बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी का एक दौरा हुआ था, उन्होंने मौके पर निरीक्षण भी किया था, तो वहाँ डायरेक्शन दी थी कि जितना सर्किट हाउस बना रहे हैं और VIP अकोमोडेशन भी है और हैं, तो जब भी VIP जाते हैं तो लोगों का रश रहता है, तो उसलिए उन्होंने लगभग 100 लोगों के लिए एक कॉमन हॉल बनाने के निर्देश दिए थे। तो वो भी हमने बना के लगभग तैयार कर दिया, बिल्कुल रेस्ट हाउस के साथ ही है। तो वो एक जन सुविधा उपलब्ध हो गई लोगों के लिए कि जब भी VIPs टूर पे होते हैं तो एक मीटिंग हॉल का निर्माण कर दिया गया है, जिसमें लगभग 100 के लगभग लोगों की कैपेसिटी है।